हेलो दोस्त, आज मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को नवरात्रियों की पौराणिक कथाओं के कुछ टिप्स। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, इस वीडियो के स्किप नहीं कीजिएगा। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खोजपुर सागर को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के घंटी दबाना ना भूलें। अब हम शुरू करते हैं सीधे चीज़ पर। नवरात्रि के दिन में माँ दुर्गा ने महिषासुर दैत्य का वध किया था। महिषासुर एक शक्तिशाली दैत्य था जिससे भगवान शिव की उपासना कर अमर रहने का वर प्राप्त किया था। भगवान शिव द्वारा दी गई शक्ति की वजह से देवता उस दैत्य को मारने में असमर्थ थे। महिषासुर ने सभी देवताओं के नाक में दम कर रखा था। इस दैत्य को तंग होकर सभी देवता विष्णु ब्राह्मण जी से के पास गए। सभी देवताओं ने ब्राह्मण दैत्य को आतंक से मुक्ति की कामना की। इसके पक्ष ब्राह्मण विष्णु और सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति को जन्म दिया और इसका नाम माँ दुर्गा रखा गया। इस प्रकार माता दुर्गा ने महिषासुर नाम के दैत्य का वध कर सभी देवताओं के उस दैत्यों के ऊपर को मुक्ति दिलाई। तभी से यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से श्रद्धा से मनाया जाता है।